गांव से दूर जंगल में एक पुराना खंडहर था। उस खंडहर के साथ में एक पुराना घर था। उस घर में एक तहखाना था। उस तहखाने में एक चुड़ैल कैद थी जो किसी भी तरह से उस तहखाने से बाहर निकलना चाहती थी। रात होने पर उस घर से बहुत तेज तेज चीखने और रोने की आवाजें आती थी। उस चुड़ैल की चीखें पूरे गांव में सुनाई देती थी। जब भी गलती से कोई गांव वाला उस घर के पास से गुजरता था, मुझे इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। अरे भागो, अरे मर गए रे। फिर वो गांव वाला वहां से भाग जाता है। ए गांव वालों, कभी न कभी कोई तो इस घर में आएगा, बस एक बार इस तहखाने से आजाद हो जाऊं, फिर तुम सबका खून पीऊंगी। अजी, आपने ये चीखें सुनी? अब तो ये चीखें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अजी, मुझे लगता है वो चुड़ैल उस तहखाने से निकलने के लिए बहुत तड़प रही है। कहीं वो आजाद हो गई तो हमारे गांव की तो शामत आ जाएगी। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे भी इस बात का डर है, कहीं वह चुड़ैल उस तहखाने से आजाद ना हो जाए। फिर एक दिन एक मंचला उस खंडर के पास से गुजर रहा होता है। वो चुड़ैल उसके पैरों की आहट सुन लेती है। लगता है कोई इसी रास्ते से गुजर रहा है, मुझे इसे किसी तरह यहाँ बुलाना होगा। राजा जी, राजा जी, कहाँ जा रहे हो? जरा मेरी बात तो सुनिए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, बस अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। सुनिए ना, सुनिए ना। अरे वाह वाह, ये तो सच में मुझे ही बुला रही है, आज तो मजा ही आ गया। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। अरे वाह वाह वाह, मैं राजा और आप मेरी रानी, मैं अभी आया। फिर राजू उस चुड़ैल की बातों में आ जाता है और सीधा भागता हुआ उस घर के अंदर चला जाता है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। अरे रानी, इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? मैं अभी दीपक जला देता हूँ। अरे मेरी रानी, आप कहाँ हो? देखो मैं आ गया। बस राजा जी, मैं आपके सामने ही हूँ, बस थोड़ा सा और आगे आइए ना, थोड़ा और आगे। फिर राजू आगे बढ़ जाता है। तभी वो चुड़ैल तहखाने से अपना हाथ बाहर निकाल कर राजू का पैर पकड़ लेती है। अरे मेरी रानी, मेरे पैर क्यों पकड़ रही हो? तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। ये कैसी आवाज है? फिर जैसे ही राजू नीचे देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गया रे, ये तो कोई चुड़ैल है। हे भगवान, ये तो बहुत डरावनी है। अरे मर गया रे। अरे अरे चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई, मैं तो यहाँ गलती से आ गया। मैं तो यहाँ अपनी रानी से मिलने आया था, आप कहाँ से आ गई? ओ राजा जी, मैं ही तो आपकी रानी हूँ। चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, हाय मर गया रे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? इतने सालों के बाद तू कोई मेरे हाथ लगा है। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। चुड़ैल जी, मुझे मार कर आपको क्या मिलेगा? आप जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, बस मेरी जान बख्श दो। ठीक है, फिर मेरा एक काम कर, मुझे किसी तरह इस तहखाने से बाहर निकाल, फिर मैं तेरी जान बख्श दूंगी। लेकिन चुड़ैल जी, इस तहखाने की चाबी मेरे पास नहीं है, मैं इसका ताला कैसे खोलूं? मैं ये सब नहीं जानती, बस मुझे किसी तरह यहाँ से आजाद करवा, मुझे किसी से बहुत पुराना बदला लेना है। चुड़ैल जी, आखिरकार किसने आपको यहाँ तहखाने में कैद कर लिया?
बहुत सालों पहले मेरे पति ने मुझे दहेज न मिलने पर मार दिया और मेरी लाश को इसी तहखाने में छुपाकर यहाँ से भाग गया। जब से मैं यही इस तहखाने में तड़प रही हूँ, बहुत तड़प रही हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ चुड़ैल जी, अब वह आदमी कहाँ है जिसने आपकी ये हालत की? मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है। क्या आप मुझे उसका नाम बता सकती हैं? हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। उस कमबख्त का नाम मूसा है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। अरे चुड़ैल जी, मैं उसे जानता हूँ। वह कमबख्त तो हमारे गांव में ही रहता है, दिन भर गांव की औरतों को छेड़ता रहता है। उसने गांव की सब औरतों का जीना दुश्वार किया हुआ है। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं उसे यहाँ आपके पास ला सकता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूँ, हो सके तो मेरी मदद करो। फिर वो चुड़ैल उसे छोड़ देती है और राजू सीधा भागता हुआ अपने गांव चला जाता है। फिर अगले दिन वो सीधा मूसा के पास जाता है। मूसा कुएं के पास बैठा होता है और आती जाती गांव की औरतों को सता रहा होता है। अरे मूसा भाई, कैसे हो, मजे में हो? मैं तो हमेशा मजे में ही रहता हूँ भाई, अपनी जिंदगी तो मस्त चल रही है। अच्छा मूसा भाई, तुम किसी रानी नाम की लड़की को जानते हो क्या? वह यहीं साथ वाले गांव में रहती है, कल तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, बोल रही थी मूसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या सच में वो मेरे बारे में पूछ रही थी? मैं सच कह रहा हूँ भाई, वो तो तुम्हारे प्यार में पागल है। ठीक है भाई, फिर देर किस बात की, मुझे अभी उसके पास ले चलो ना। अरे भाई रुको रुको, थोड़ा सब्र तो करो, हम शाम होने पर चलेंगे। फिर शाम होने पर राजू मूसा को उसी खंडहर की ओर ले जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर वो दोनों उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। चुड़ैल मूसा की आहट पहचान जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। ए मूसा, ए मूसा, बस एक बार तू मेरे हाथ आ जा, तुझे तो मैं जिंदा खा जाऊंगी। अरे राजू भाई, ये तो अंधेरा भी हो गया, मेरी रानी कहाँ है, मुझे उससे कब मिलवाओगे? बस भाई तुम्हारा इंतजार खत्म, वो देखो तुम्हारी रानी उस घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी जल्दी चलो। अरे नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं जाने वाला। क्यों भाई, ऐसा क्यों? लगता है मूसा भाई डर गए। चलो कोई बात नहीं, नहीं जाना तो मत जाओ, चलो वापस चलते हैं। मैं वापस जाकर सबको बताऊंगा कि मूसा भाई तो डरपोक निकले। अरे नाच मिटे, हंसना बंद कर, मैं किसी से नहीं डरता, चल अभी अंदर चलते हैं। फिर वह दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। रानी रानी, देखो मैं आ गया, तुम कहाँ हो? वो चुड़ैल मूसा को आते हुए देख लेती है, वो बहुत गुस्से में होती है। तभी मूसा चलते चलते उस तहखाने के पास पहुँच जाता है, तभी वो चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। आओ मूसा आओ, मुझे कब से तेरा इंतजार था। आ मूसा आओ। अरे मर गए रे, यहाँ तो चुड़ैल है। अरे नाच मिटे राजू, वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, मेरी मदद कर। ठीक से देखो मूसा भाई, ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये तुम्हारी पत्नी ही है। अपनी पत्नी का नाम सुनते ही मूसा घबरा जाता है। क्यों मूसा, इतनी जल्दी भूल गया, तूने मुझे किस तरह मारा था, भूल? नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तुम जिंदा कैसे हो गई? फिर वो चुड़ैल मूसा को तहखाने के अंदर खींच लेती है। अरे मर गया, अरे मर गया, अरे फिर कुछ देर तहखाने से मूसा के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और फिर एकदम शांति छा जाती है। फिर राजू भी वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद से उस घर के पास से कोई आवाज नहीं आती। और इस तरह
एक चुड़ैल अपना बदला पूरा कर लेती है।